अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन जालोजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा लेक्चर 2 और हम फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फिशेस हमारा 18वां चैप्टर यानी 18 चैप्टर फिशेस वाला था, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फिशेस के बारे में कि फिशेस जो है ना फैलम क्रिनिएटा से जो ना से बिलोंग करते हैं, दीज आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जो है ना इनमें स्कल मौजूद होता है, ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो फिशेस हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं उनको दो सुपर क्लास जैसे कि ए गनेथन्स एंड गनेथन्स, ठीक है, गनेथोस्टोमा और या ए गनेथोस्टोमा, तो इनमें डिवाइड किया जाता है जॉस के हवाले से वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा आपको ये भी पता है कि फिशेस एक मतलब ये कि डेंस मीडियम यानी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि बवंसी को रेगुलेट करना, पानी में तैरना जो कि स्विम ब्लेडर की एक करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब स्विम ब्लेडर की मदद से ही वो पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है, और उसके अलावा अपने बॉडी को डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, मतलब ये कि पानी सर्दियों में गर्मी में, तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो अपने बॉडी में वाटर की और उसके अलावा आयंस के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अपने ज़रा अपने बेसिक टॉपिक की तरफ चलें, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि जो ओल्डेस्ट सॉरी जो मतलब वर्टिब्रेट हैं, फर्स्ट नॉन वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, वो हैग फिशेज हैं, ठीक है, जो कि जालेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मतलब चाइनीज़ रिसर्चर की बात करें, ठीक है, चाइनीज़ रिसर्चर ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये इस चीज़ को एक्सपोज किया, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो ओल्डेस्ट एलेज्ड वर्टिब्रेट फॉसल्स, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फॉसल्स, ठीक है, पहली बात तो ये फॉसल तो वर्टिब्रेट के, और एलेज्ड का मतलब ये होता है कि अभी तक ऐसा मतलब कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, एक अंदाज़ा, ठीक है, ऐसे कहावत, ठीक है। तो ऐसे जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली उनके जो फॉसल्स हैं, ठीक है, वो एक लैंडस्लिप शेप के, मतलब फॉसल से पता चलता है, ठीक है, कि वो एक लैंडस्लिप शेप के एनिमल्स हैं और वो एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल शो करते हैं, मतलब ये कि वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये बात जो ना 530 मिलियन ईयर्स इगो, ठीक है, ये चीज़ जो है ना उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अपनी आँखों की मदद से, ठीक है, अपने आइज़ की साइड की मदद से वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, और अपना ये जो ये प्रोसेस है वो उसी समंदर में या सी में या प्री हिस्टोरिक सीज, तो उनमें ये प्रोसेस क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी बात ये कि प्री हिस्टोरिक सी, एक्चुअली प्री हिस्टोरिक ऐसे एज को बोलते हैं जिसमें लिखना कोई लिखने वाला था ही नहीं, मतलब लिखते नहीं थे, सिर्फ ये हाँ ये चीज़ अलग है कि पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे वैसे है, लेकिन लिखने वाला दौर नहीं था, ठीक है, लिखने से पहले मतलब ये कि जो रिसर्चेज हुई हैं या जो कुछ भी हैं उनको लिखा विखा नहीं जाता था, ठीक है, तो लिखने से पहले वाला जो दौर था उसे हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ठीक है, और उस दौर ज़माने में जो समंदर ये लेक्स थे तो वहाँ क्या होते थे, ये पाए जाते थे, तो सॉरी नीचे गिर गया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनमें जो ब्रेन है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अब वही ब्रेन एक्चुअली क्या करता है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, आईज से आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन कि हाँ फ्लॉप रे है, ठीक है, फ्लॉप रे है, उसको कैप्चर करते थे, ठीक है, हाँ। तो उसके बाद अगर हम बर्न्स के ओरिजिन की बात करें, ठीक है, तो ईल लाइक एनिमल जिन्हें हम कोनोडोंट्स भी कहते हैं, ठीक है, नॉन फ्रॉम द फॉसल्स, अब देखो यहाँ उन्होंने बात की है कि जो ईल लाइक एनिमल जिन्हें हम कोनोडोंट्स भी कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि इन्हें 5-10 मिलियन ईयर्स इगो इनके मतलब फॉसल्स से पता चला है कि ये 5-10 मिलियन ईयर्स इगो के एनिमल थे, ठीक है। और उसके बाद जूलॉजिस्ट क्या करते थे कि इनको मतलब डिफरेंट फैला में रखते थे, पहले सोचते थे यार हाँ इस फैला में, फिर नहीं यार इस फैला में, तो ऐसे मतलब वो कंफ्यूज रह जाते थे। फिर जो रिसर्चेस की गई, रिसर्चेस के बाद जो नए मतलब माशाल्लाह जैसे आप जैसे जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे एनिमल एक्चुअली फुली फ्लैज्ड वर्टिब्रेट्स हैं। अब फुली फ्लैज्ड वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम्प्लीटली डेवलप्ड, मतलब ये कि उसमें जो जो भी मतलब ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसमें नेसेसरी ऑर्गन्स वो सारे मौजूद हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद
दे हैव टू आइज, उनकी दो आँखें होती हैं, ठीक है, और अ माउथ फिल्ड विद टूथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंटाइन, ठीक है, अब उनमें डेंटाइन मौजूद होता है, माउथ है उसमें डेंटाइन मौजूद है, ठीक है। अब कुछ कुछ रिसर्चर ने ये भी कहा है, एक नाई हाइपोथेसिस के मुताबिक ये चीज़ भी है कि ये जो उनका बोन है वो डेंटाइन की सूरत में स्किन में राइज हुआ, जैसे कि आप शार की बात करें, ठीक है, और उसके अलावा उनके साथ एसोसिएटेड नर्व भी थी, सेंसरी रिसेप्टर भी मौजूद थे, ठीक है, जो चीज़ सेंसेशन में इन्वॉल्व होते थे, जो इंफॉर्मेशन की डिटेक्शन में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। तो उसके बाद बोन्स वर डेवलप 5 मिलियन ईयर्स ईगो, ठीक है, जो बोन है उन्हें 5 मिलियन ईयर्स ईगो जो ना उन्हें दरियाफ्त किया गया, इन अगर हम ऑस्ट्रोकोडर्म्स की बात करें उसमें इनको दरियाफ्त किया गया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रोकोडर्म्स वीक फिल्टर फीडर्स हैं, मतलब ये इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स हैं, ये अपने फूड को, ठीक है, ये फ़िल्टर नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि फ्लूइड में से या वाटर में से जो फूड है उसे निकाल लेना, उसे पकड़ लेना, ठीक है, और उसे ईट करना, तो ये ऐस किस्म के, मतलब ये फ़िल्टर फीडर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये प्री हिस्टोरिक सीज और लेक्स की बॉटम में रहते थे, ठीक है, और उसके बाद ये ना इनके पास जॉस मौजूद होते थे, ना ही इनके पास पेयर्ड अपेंडिजेस मौजूद होते थे, ठीक है। और उसके बाद एवोल्यूशन आई, जिसे हम यहाँ नाम देते हैं अडाप्टिव रेडिएशन। अडाप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि एक एक फिश से या एक ग्रुप ऑफ एक स्पीशीज से, ठीक है, एक ही दफ़ा बहुत सारे एनिमल्स डिफरेंट, मतलब एनिमल्स का फूड पड़ना, ठीक है, मतलब ये कि उनमें एवोल्यूशन आ जाना, कुछ फिशेस में ये तब्दीली आई, कुछ फिशेस ऐसे जिनमें और कोई तब्दीली आई, तो इसी तरह से एक ही यकदम, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे मतलब स्पीशीज और डिफरेंट एनिमल की कैटेगरीज बन गई, ठीक है, फिशेस थे तो डिफरेंट किस्म के फिशेस बन गई, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है, डिड इंसेस्ट्रल फिशेस वर फ्रेश वाटर, मतलब ये कि जो इंसेस्ट्रल इंसेस्ट्रल एनिमल्स थे, ठीक है, या फिशेस थे, क्या वो फ्रेश वाटर से बिलोंग करती थी या फिर वो जो ना किससे बिलोंग करती थी कि मेरा इनसे। आप अच्छा एक बात है, ठीक है, कि यार इनकी जो फॉरफीदर्स की बात करें, इंसेस्टर की बात करें, वो तो इनके मेराइन वाले थे, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मेराइन में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ऐसे ये जो ना मोस्टली ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, और ये हो सकता है कि वो फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में जा रहे हैं, या मेराइन वाटर से वो किस में आ रहे हैं, फ्रेश वाटर में आ रहे हैं, दिस केस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लेकिन इनकी जो मतलब ओरिजिन है, ये कहाँ मतलब बने हैं, ठीक है, वो कहाँ से बने ये फ्रेश वाटर से बने। एक और बात है, अब देखने सोचने वाली बात है, ठीक है, कि 41% जो फिशेज़ होती हैं वो फ्रेश वाटर में होती हैं, ठीक है, 41% फिशेज फ्रेश वाटर में होती हैं, चलो ठीक है 41 है, लेकिन उसके बाद एक और भी तो बात है ना, कि फ्रेश वाटर की टोटल तादाद कितनी है, ठीक है, 0.009% टोटल, मतलब दुनिया का कितना परसेंट पानी है मेरे ख्याल से, ठीक है, 71% पानी होता है और 29% जो ना खुश्की होता है ऐसे ना, तो उसमें से सिर्फ 71% वाटर में से तकरीबन 0.003% जो ना फ्रेश वाटर होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, तो उस इतने से थोड़े से फ्रेश वाटर में तकरीबन 41% फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है, तो इस हवाले से तो हम कह सकते हैं कि दीज फिशेस आर डोमिनेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक, और उसके अलावा मतलब ये दो आपकी बुक में इस तरफ से डायग्राम दिए गए थे, ठीक है, ब्यूटीफुल मेराइन लायन फिश, इस जिसे हम टेरोसिस भी कहते हैं या पेट्रोसिस भी कहते हैं, जैसे आप बोल लो, आपको कौन रोक सकता है, हर बंदा अपनी प्रोनाउंसिएशन अनाउंस करता है, ठीक है, तो ये ऐसे मतलब यानी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, कि जो कि विनोमिस हैं, ठीक है, मतलब ये जहर उघलते हैं, ठीक है, इसी तरह से कोनोडोंट्स, ठीक है, इसे हम क्लाइडा गनेथन्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये फाइव इनके जो फॉसल्स हैं वो 510 मिलियन ईयर्स ईगो आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला था कि रजिस्टर कापी पेंसिल वगैरह सब कुछ उठा लिया करो, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा शोर होता होगा यहाँ, क्योंकि माशाल्लाह से इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आपने अपने लेक्चर पर फोकस करना है, ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह।